Example, आप पीसी सिस्टम को समझा सकते हो आप जो शार्क टैंक में जिन लोगों को शार्क को देख रहे हैं वो अपने खुद के पैसे लगा रहे हैं। वो बहुत जल्दी आते हैं किसी कंपनी में हम ये थॉट प्रमोट नहीं कर रहे क्योंकि हाँ। हमें कॉन्ट्रोवर्सी में नहीं फंसना है क्योंकि तो वो नारायण मूर्ति के सेवेंटी को लेके बहुत बवाल मचा था तो मेरा ये कहना है कि अगर आप प्रोफेशनल हैं तो एक अलग नजरिया है बट अगर आप फाउंडर हैं तो सत्तर भी मैं कहूँगी मतलब आपको दिन कब होती है रात कब होती है पता ही नहीं चलता है अलग अलग चीजें सुनने में आती है कि कुछ लोग कहते हैं कि ने ज्यादा प्रेशर डाल दिया बोर्ड में आके बाइजू को हीरो ना मीडिया ने बनाया और अभी उन्हें विलन भी मीडिया बना रहा है सिस्टम कॉन्टेंट क्रिएशन के इको सिस्टम को नोटिस करता है क्रिएटर्स जैसे फाउंडर्स होते हैं जिनको सिर्फ राउंड करना लेनी exactly अनफॉर्चुनेटली है, है फिर वीसी से कैसे पकड़ते हैं बहुत मुश्किल होता है अगर किसी फाउंडर ने सिर्फ अपने लिए पैसे hmm. लिए. और ऐसे बड़े बड़े हैं जिन्होंने पैसे कमाए हैं हाँ. बहुत सारे क्या होता है कि लोग उनसे इंस्पायर हो जाते हैं दोस्तों मैं चाहता हूं कि इस पॉडकास्ट के थ्रू आप बिजनेस के बारे में ज्यादा सीखें मेरे खुद के सवालों की वजह से मैं अक्सर बिजनेस कॉन्वर्सेशन में खुद की मेंटरिंग सेशन करवा लेता हूं हमारे गेस्ट के थ्रू आज की गेस्ट अर्चना जहागीरदार हमारी देश की एक बहुत रेप्यूटेड और रिस्पेक्टेड वी है इनकी वी फर्म रुकम कैपिटल का एक तगड़ा ट्रैक रिकॉर्ड है एंड शी इज़ अ वेरी वेरी गुड कम्युनिकेटर हर इसलिए मैंने सोचा कि यार आज आप सभी को मेरे साथ वीसी ओरिएंटेड स्टार्टअप मेंटरिंग दो क्यों क्योंकि जब मैं मेरा खुद का बिजनेस लेवल सुपर माइंड ग्रो कर रहा था हम एक स्टेज तक पहुंच चुके थे जहां वी वर डिबेटिंग की यार वीसी कैपिटल रेस करना चाहिए या नहीं और उस फेज में हमने ये जाना कि हमें वीसी वेंचर कैपिटल के सिस्टम के बारे में बहुत ज़्यादा जानने की जरूरत थी ताकि आप उस स्टेज तक ना पहुंचे इसलिए आज मैं आपके लिए एक बहुत तगड़ा एडुकेटिव पॉडकास्ट लेकर आया हूँ दिस पॉडकास्ट विल बी रेलिवेंट फाइव टेन ईयर्स फ्रॉम नाउ एज वेल बहुत नॉलेज ओरिएंटेड एपिसोड है अगर आपका इंटरेस्ट बिजनेस में है अगर आपको आगे जाकर एक बहुत बड़ा बिजनेस खोलना है अपनी खुद की लाइफ में या अगर आपको सिर्फ स्टार्टअप इको के बारे में ज़्यादा जानना है तो प्लीज बैठ कर सिस्टम के बारे में जानिए अर्चना जहागीरदार मैम के साथ इट्स अ लवली नॉलेजेबल एपिसोड अर्चना जागीदार का स्वागत है टी आर एस में आ, हर साल जब शार्क टैंक की शुरुआत होती है भारत में तब लोगों का इंटरेस्ट बिजनेस में बढ़ जाता है पर लोग आजकल बिजनेस के बारे में सिर्फ जानने लगे हैं हर किसी को ये पता है कि कैपिटल जैसी चीज़ होती है इन्वेस्टर्स होते हैं इक्विटी नाम की एक चीज़ होती है बहुत कम लोगों को वी सर्कल्स के बारे में पता है तो आज आपके थ्रू हम वी के बारे में जानेंगे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा अर्चना अच्छा आप कैसे हो मैं बहुत बढ़िया हूँ और ज़रूर आई थिंक बहुत अच्छी बात है कि बहुत लोगों को अगर ये इस चीज़ में उत्सुकता है जानने की जिज्ञासा है तो बहुत अच्छी बात है बिकॉज जितने लोगों को ज़्यादा पता चलेगा उतना ये जो सारा फील्ड है वो बड़ा होता जाएगा और इस देश के लिए वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे को जॉब क्रिएटर्स चाहिए वेल्थ क्रिएटर्स चाहिए नौकरी ढूंढने वाले थोड़े से कम चाहिए हम्म हर कोई फेसबुक के बारे में जानता है इंस्टाग्राम ऑब्वियसली जानता है स्नैपचैट एप्पल इन सारे कंपनीज ने वी के साथ मिलकर अपनी कंपनीज कंपनी को ग्रोथ दिलवाई है आ, पर इसका लॉजिक एक्जैक्टली क्या होता और एक्चुअली इस लॉजिक को और गहराई से समझने के लिए मे बी लेट्स रेफरेंस शार्क टैंक मतलब शार्क टैंक को लेकर एज एन एग्जाम्पल आप वी सिस्टम को समझा सकते हो तो अप अप टू यू तो आप जो शार्क टैंक में आप जिन लोगों को शार्क्स को देख रहे हैं वो अपने खुद के पैसे लगा रहे हैं ठीक है तो उनको टिपिकली एंजल इन्वेस्टर बोला जाता है उसका ये मतलब होता है कि वो बहुत जल्दी आते हैं किसी कंपनी में उसका और ये विस्तार से अगर मैं समझाऊँ तो उसका ये मतलब होता है कि जैसे आपके पास कोई आइडिया है या आपने थोड़ा कुछ आ, बनाया है अपनी कंपनी में तो आप एंजल इन्वेस्टर के पास जा सकते हैं जो आपसे कुछ सवाल पूछेगा और या पूछेगी और उसके आ, आ, उसको देख के फिर वो आपको इन्वेस्टमेंट देंगे ठीक है जो वीसी होता है जिसका फुल फॉर्म वेंचर कैपिटल है उसका ये मतलब होता है कि मेरे जैसे जो लोग हैं जो मैं वेंचर कैपिटलिस्ट हूँ मैं लिमिटेड uh, पार्टनर्स होते हैं जिसका मतलब होता है कि वो मेरे इन्वेस्टर्स होते हैं मैं उनसे पैसा रेस करती हूँ पहले और uh, आपको सेबी से आपको लाइसेंस लेना पड़ता है ये सब करने के लिए तो इसको ब्लाइंड पूल ऑफ कैपिटल बोला जाता है जिस तरह की वीसी मैं हूँ उसका ये मतलब होता है कि जो मेरे एल मुझे पैसे दे रहे हैं उनको ये नहीं पता होता मैं कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करूँगी तो वो डिसीजन मेरा होता है तो उस डिसीज़न लेने के लिए मुझे बहुत काम करना पड़ता है पहले uh, मेरे इन्वेस्टर्स को कन्विंस करने के लिए मुझे बहुत काम करना पड़ता है बहुत मुश्किल का काम होता है टू बी एबल टू रेज़ मनी तो और हर एल जो होता है वो पूछता है कि मैं आपको क्यों पैसे दूँ और मेरे को जो रिटर्न उनको देना पड़ता है इट हैज़ टू बीट स्टॉक मार्केट इन्फ्लेशन या कोई भी एसेट क्लास जो ऐसा है जहाँ पे उनके पैसे ज़्यादा अच्छी तरह से ग्रो कर सकते हैं और रिस्क कम है तो क्योंकि बहुत सारे वी सी अर्ली स्टेज में जाते हैं अर्ली स्टेज का मतलब होता है कि बिज़नेस में बहुत कम चीज़ें अभी डिफ़ाइन हुई होती हैं तो रिस्क बहुत ज़्यादा होता है और वी जो एसेट क्लास है एल के लिए नॉन लिक्विड है इसका मतलब आप निकल नहीं सकते उसका एक डिफाइंड पीरियड होता है दस साल बारह साल राइट right? तो दस साल तक वो वी सी एल को पैसे नहीं दिखेंगे कि वो पैसे आएंगे नहीं आएंगे uh, तो ये सारी अनसर्टनिटी होती है तो वो हो गया कि मैंने पैसे ले आई मैं अपने एल से अब मेरे को देने हैं स्टार्टअप्स को जी राइट तो अब मुझे बहुत काम करना है क्योंकि मुझे मेरे पास रेगुलेटर है क्योंकि मैंने लाइसेंस लिया हुआ है तो उस दायरे में मेरे को रहना पड़ता है और वो पैसे लेने के लिए मैंने एक पीपीएम फ्लोट करा होता है इसका मतलब होता है कि उसमें मैं अपनी स्ट्रैटी बताऊंगी उन आ, मेरे एल को राइट तो मुझे इन्वेस्टमेंट जो करनी है उसी दायरे में करनी पड़ती है अदरवाइज़ वो मेरे एल पी मेरे को बोल सकता है कि आपने तो मेरे से पैसे लिए थे ये बोल के कि आप इन जगहों पर इन्वेस्ट करेंगे पर आप तो किसी और जगह पर कर रहे हैं तो ये क्यों कर रहे हैं तो वो सारा जो कम्युनिकेशन कॉन्वर्जेसन एल पी के साथ बार बार करना पड़ता है क्योंकि यू डोंट वांट कि एल पी नाराज़ हो जाए और बोले कि भैया मैंने तो पैसे एक चीज़ के लिए दिए और आप दूसरी चीज़ कर रहे हो सो फॉर एग्जांपल अगर मेरी स्ट्रेटजी है कि मैं अर्ली स्टेज में डालूंगी पर मैंने बोला कि मैं थोड़ा सा रेवेन्यू देखूँगी कंपनी में राइट और मैंने डालना शुरू कर दिया सौ uh, करोड़ वाली यू नो एनुअल रन रेट वाली कंपनी में तो मेरा एल पी विल से ना कि आप इतनी बड़ी कंपनी में क्यों पैसा डाल रहे हो बिकॉज आपका एंट्री प्राइस इन टू दैट कंपनी विल बी हायर एंड दे फोर योर एग्जिट इज डिफरेंट तो फिर मेरे को फिर से समझाना पड़ेगा एल को कि मैंने ये डिसीजन क्यों लिया सो so, मेरे को उस दायरे में रहना पड़ता है तो बहुत फाउंडर्स थोड़े से गुस्सा हो जाते हैं जब एक वी उनको मना करता है क्योंकि कभी कभी उस दायरे में वो नहीं फिट uh, कर पाते हैं तो थोड़ा सा इट इज़ ऑल्सो बिकॉज मेरे को अपने एल को जो मैंने प्रोमिस करके जो पैसा लिया आई हैव टू स्टे ट्रू टू दैट तो मेरे वो भी बहुत ज़रूरी है सो जस्ट टू कम्प्लीट दिस थाट इसलिए जो अलग चीज़ होती है वी और एंजल में बहुत इंस्टीट्यूशनलाइज जो कैपिटल बोलते हैं कि भैया आपको इतना मिलेगा एक स्ट्रेटजी होती है कि अगला राउंड भी मिल सकता है हम एक चीज़ बोलते हैं प्रोरेटा जो अगले राउंड में हम कंपनी को आ, अपने प्रोरेटा के बेसिस पे हेल्प करते हैं तो जो एंजल्स होते हैं वो पर्सनल डिसीजन ले रहे होते हैं हम एक इंस्टीट्यूशन सो हमारी एक इन्वेस्टमेंट कमिटी होती है तो और फिर उसके बाद फाइनली जो हम आ, अलग करते हैं हम बहुत सपोर्ट करते हैं बिकॉज़ आई मेरे को उस डील में से पैसे बनाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मेरे को वापस करने होते हैं राइट right? एंजल पे वो नहीं होता है प्रेशर क्योंकि वो खुद का पैसा होता है और बहुत छोटा अमाउंट होता है तो आपके पाँच लाख दस लाख यू नो चले भी गए तो आपको इतना उसमें दर्द नहीं होगा या आपको किसी को जवाब नहीं देना पड़ेगा जी. तो ये सब है ओके okay, uh, मैम मेरे नजरिए से एक कॉलेज स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से भी थोड़ा सा समझा दूंगा एंड प्लीज करेक्ट मी जहाँ भी मैं कुछ गलत कह रहा हूँ ओके uh, okay, तो बेसिकली मान लो एक कॉलेज स्टूडेंट या, या यंग ऑन्टर के नजरिए से उनका एक तगड़ा बिजनेस आइडिया idea है आइडियाज बहुत सारे लोग होते हैं एग्जीक्यूशन बहुत लोग कर नहीं पाते पर मान लो किसी ने एग्जीक्यूशन की शुरुआत कर दी एक तगड़ी टीम बना ली एक तगड़ा को मिल गया और मेहनत करने की uh, वो ड्राइव है उनके दिल में

बॉलीवुड फिल्म में ना कभी एक सीन होती है जहाँ एक डायरेक्टर प्रोड्यूसर एक यंग एक्टर को मिलता है और कहता है कि मैं देखो स्टार बना दूंगा स्टार एंजल इन्वेस्टर का रोल ये होता है कि हाँ। उन्होंने खुद पैसे बनाए हुए हैं लाइफ में और वो ये चाहते हैं कि कोई और अब उनके पैसों के थ्रू ग्रो करे हाँ। और, और भारत में बहुत सारे एंजल्स हैं कुछ खराब एंजल्स भी होते सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल बहुत सारे अच्छे एंजल्स होते हैं और स्पेशली जब कोई यंग ऑन्टरप्रेनोर होता है या कॉलेज ऑन्टरप्रेनोर होता है जिनको इक्विटी के बारे में ज़्यादा समझ नहीं है या डील्स के बारे में ज़्यादा समझ नहीं है वो फंस जाते हैं बुरे एंजल्स के साथ इसलिए एंजल्स पर रिसर्च करना बहुत जरूरी होता है कि अगर आप उनके साथ डील कर रहे हो तो एक तो अच्छी डील मिलनी चाहिए एंड ये शार्क टैंक की एक्चुअली बड़ी एक देन है हमारे देश के लिए क्योंकि लोगों को गुड डील्स और बैड डील्स के फर्क के बारे में पता चला कि ऐसे भी होता है अभी ये हो गया शार्क टैंक का एग्जाम्पल दोज आर एंजल्स अक्सर लोग क्या करते हैं एक एंजल राउंड आ, आ, रेज करते हैं अपनी कंपनी के लिए आ, मान लो उन्होंने एक करोड़ या दो करोड़ रुपए रेज किए फिर कुछ ग्रोथ दिखा देते खुद की स्टार्टअप की यानी कि एक प्रोडक्ट बन गया या उनके यूजर्स आ गए या थोड़े से प्रॉफिट्स कमा लिए फिर उन्हें ये लगता है कि अच्छा अभी मुझे और तेज़ी से ग्रो करना है या तेज़ी से प्रॉफिट्स कमाने उसके बाद या तो आप एक और एंजल राउंड कर सकते हो यहां आप एक वीसी के पास जा सकते हो वीसी एक एंजल इन्वेस्टर की तरह है पर वो एक कंपनी है एक इंसान नहीं है करेक्ट फेयर टू से दैट इट्स अ इंस्टीट्यूशन एक मतलब बहुत पूरा सिस्टम होता है जी एंड ऐसा होता है ना जैसे अब आप इन्वेस्टमेंट कमेटी होती है तो वो भी बड़े मजे हुए लोग होते हैं इस इकोसिस्टम के तो वो भी बहुत वैल्यू ऐड करते हैं कि भैया इस बिजनेस में दम है कि नहीं हम्म तो इसलिए जो आपको वी से सपोर्ट मिलता है आ, वो आपको इंडिविजुअल से कम मिलता है बिकॉज इट्स नेचुरल राइट कि अगर एक अकेला इंसान है और उसके लेट्स से तीस इन्वेस्टमेंट है वो कहाँ कहाँ पे हेल्प कर पाएगा या कहाँ पे देख पाएगा और हर स्टेज पे ना फाउंडर्स को बहुत अलग अलग मदद की ज़रूरत होती है बिकॉज हर स्टेज पे एक मोड आता है जी. और उस मोड़ में आपको देखिए ऑन्टरप्रिनरशिप जो है ना आपको ये सोचना पड़ेगा जैसे आप पूरी ज़िंदगी धुंधले धुंधले में चल रहे हैं आपको कुछ कभी भी वो पूरी क्लैरिटी नहीं मिलेगी कि यही रास्ता अगर आप पकड़ोगे तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा राइट जाएग? हर टाइम आपको इम परफेक्ट इन्फॉर्मेशन होती है उस पर आपको डिसीजन लेना होता है और वो डिसीजन आपको या तो पूरी कंपनी बंद हो सकती है या आप बिल्कुल बड़े बन सकते हो और बहुत फाउंडर्स ने ये जो जिसको हम कहते हैं काउंटर इन ट्यूट विच मीन्स जो उस समय जो बात मानी जाती है कि ये अगर करोगे तो ठीक होगा उसके बिल्कुल विपरीत चीज़ करी होती है एंड वहाँ पे बहुत अच्छा वो आउटकम निकलता है बट वो करने के लिए आपको बहुत लोगों का सपोर्ट चाहिए होता है जो एक एंजल इन्वेस्टर के पास वो कम टाइम होता है क्योंकि अगर आप बहुत जगह पर इन्वेस्टेड हैं पहले क्या होता था इंडिया में कि इतने वीसीज़ होते नहीं थे तो वीसीज़ भी Uh, जैसे मैंने पहले बोला अलग अलग स्ट्रेटजीज होती हैं किसी की स्ट्रेटजी हो सकती है कि भैया आप पेपर प्लान ले आओ कोई अच्छा सा आइडिया ले आओ हम उसपे भी इन्वेस्ट कर देंगे ठीक है कुछ वी होते हैं जो बोलते हैं कि हमारे को थोड़ा सा रेवन्यू uh, देखना है कुछ देखना है कि कुछ आपने करा है कि नहीं करा है ठीक है तो वो अलग टाइप के वी होते हैं फिर होते हैं कि जो जैसे आप बोल रहे थे कि थोड़ी ग्रोथ और हो जाए तो वो वीसीज भी होते हैं इंडिया में पहले जो बहुत अर्ली स्टेज वाले वीसीज थे वो नहीं होते थे क्योंकि वहाँ पे रिस्क आपको बहुत बढ़ जाता है कि आप पेपर प्लान पे किसी को पैसा दे रहे हो एंड अगेन आपको उस तरह के एलपी चाहिए होते हैं जो आपकी उस विजन के साथ वो अलाइन्ड हो ये ये फिर से थोड़ा सा समझाना होगा हाँ। मतलब बेसिकली एज अ वीसी फर्म आपके खुद के भी इन्वेस्टर्स होते हैं हां जी ये इन्वेस्टर्स अक्सर अल्ट्रा होते हैं और फैमिली फंड तो, नहीं तो आ, तीन चार तरह के होते हैं आ, एक होते हैं फैमिली ऑफिस इट कुड भी इंडिविजुअल हो सकते हैं जैसे बहुत सारे जो फाउंडर्स हैं आ, आप अगर पंद्रह बीस साल से या तीस साल से जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ ऑन्ट्रप्रनर्स इंडिया में बने थे आ, तो उनके अब बहुत सारे पैसे उन्होंने बना लिए हैं वो जो फाउंडर्स हैं जो इन्वेस्ट कर रहे हैं फाउंडर्स में आज के फाउंडर्स में वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो उस दौर से गुजर चुके हैं उनको पता है कितना मुश्किल होता है और इंडिया में बिज़नेस के लिए एक्विटी का पैसा मिलना बहुत बहुत मुश्किल है मतलब आई वुड से इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल इंडिया में अभी तक जो पैसे मिलते थे किसी बिजनेस को फॉरगेट स्टार्टअप्स ऑन्टरप्रनर्स किसी भी बिज़नेस को आप अपने किसी अमीर दोस्त या किसी रिश्तेदार के पास जाते थे वो ब्याज पे आपको पैसा मिलता था और आपको पैसा लौटाना पड़ता था जो एक्विटी है वो बहुत नई चीज़ है इंडिया के लिए तो मेरे को बहुत लोग बोलते हैं कि आप आ, पैसा दे दोगे बस और कुछ नहीं लोगे हमसे सो so, ऐसे नहीं कुछ नहीं लेंगे बिकॉज हमने एक्विटी ली है आपसे तो वो बहुत एक नया आ, तरीका है इन्वेस्ट करने का तो वो जो होता है वो फाउंडर को थोड़ा सा उसको फ्रीडम मिल जाती है उसको इंडिपेंडेंस मिल जाती है कि वो किसी तरह से भी अपना बिज़नेस बना सकता है क्योंकि वो पैसे मेरे को

इन्वेस्ट uh, कर देते ताकि वहां बहुत तगड़े रिटर्न मिले जैसे हाई रिस्क हाई रिटर्न नाम की एक फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी होती है कहते हैं कि अगर आप ट्वेंटीज में हो और इफ यू कैन अफोर्ड इट आपको हाई रिस्क हाई रिटर्न वाली इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए क्योंकि आपकी शादी नहीं हुई है <laughs> <laughs> आपके बच्चे नहीं हैं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है तो ये उस लेवल पर जाकर वुड यू से हाई रिस्क हाई रिटर्न होता इट इज हाई रिस्क हाई रिटर्न तो फैमिली रिस्कलीस ऑन्ट्रप्रनर uh, जो उन्होंने अपना पैसा बना लिया है देन फंड ऑफ फंड्स होते हैं uh, इंडिया में अभी थोड़े कम हैं बट ग्लोबली ये स्ट्रैटी होती है फंड ऑफ फंड्स फ़ंड्स में पैसा डालते हैं टू डिप्लॉय फिर सॉवरन फंड्स होते हैं विच मीन्स कि उस देश का एक फंड uh, बना होता है अगेन इट्स अ फंड ऑफ़ फंड फिर एंडाउमेंट्स होते हैं वो नॉर्मली अमेरिका में ज़्यादा होते हैं जो यूनिवर्सिटी एंडाउमेंट्स होते हैं जैसे हार्वर्ड का एक होगा एल पी के बारे में बता बता रहे हैं सारे के बारे में मतलब बता ये सब पैसे पैसे आते हैं कहां से आपके ठीक okay. है तो आ, इन सब क्लास का जो आ, जो पैसे आते हैं जी। हर के साथ हर एक के साथ अलग अलग मुश्किलें हमारे लिए होती हैं टू जस्टिफाई कि हमारे को वो पैसा क्यों मिलना चाहिए और उतने ही उनके रिटर्न के जो कंडीशंस होते हैं वो और और मुश्किल होते हैं तो जब कोई वीसी किसी फाउंडर को मना करता है एक बहुत ज़रूरी कारण होता है कि वो बिज़नेस उस तरह का रिटर्न दस साल में आठ साल में ला पाएगा कि नहीं बिकॉज uh, आप आपको सबसे जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया एक वीसी के लिए है एलपी की तरफ से इज़ कि आपको रिटर्न करना ही करना है पैसा जी एट अ सर्टन रेट राइट जैसे आपने कहा बाकी सारे एसेट क्लासेस ज़्यादा बिकॉज इसमें रिस्क ज़्यादा है राइट अभी मान लो आपके पास पैसे आ गए एल के अभी आपकी स्ट्रैटेजी ये रहती है कि एक यंग स्टार्टअप में आप इन्वेस्ट करें वो स्टार्टअप को ग्रोथ मिले और फिर एक पॉइंट तक पहुंचने के बाद वो स्टार्टअप शायद ये चाहती कि अभी हमें इंटरनेशनली एक्सपैंड करना है या अभी हमें बहुत बड़ा बनना है साइज में तो वो उस स्टेज पर आकर ये चाहेंगे कि शायद अभी एक और राउंड रेस करते हैं फिर शायद वो दुबई चले जाते हैं सैन फ्रांसिस्को चले जाते हैं सिंगापुर चले जाते हैं और वहाँ एक और भी बड़ा राउंड रेज होता है शायद वहाँ के शेख्स के साथ वहाँ के गवर्नमेंट्स के साथ वहाँ के वी के साथ तब आपके पास एज एन इंडियन वी एक ऑप्शन होती है एग्जिट करने को तो नॉर्मली देखिए कोई वी जल्दी एग्ज़िट नहीं करता है तो अगेन यहाँ पे थोड़ा सा ना हमारे लिए एज अ वी सी ये पेचीदा बहुत होता है कि कब एग्ज़िट करना है क्योंकि जैसे आपके पोर्टफोलियो में जैसे अगर बीस कंपनियां हैं नॉर्मली वी 20 बीस से तीस कंपनियां होती हैं उनके पोर्टफोलियो में एक फंड में राइट तो अब अर्ली स्टेज में अगर बीस कंपनियां हैं तो लेट्स उस से उसमें से तीस परसेंट ज़ीरो पे चली जाएंगी राइट right. मतलब 30 परसेंट बंद ही जाएंगे हाँ. क्योंकि बहुत कुछ चीज़ें हैं वो प्रोडक्ट मार्केट फिट नहीं हुआ कुछ भी हो सकता है आलसी हो गए हाँ आलसी हो गए उसने रियलाइज़ कर लिया कि भैया मेरे बस की नहीं है मैं तो बस यू you नो know, सारा ये जो सारा हाइप हो रहा था उसमें मैं बह गया पर मेरे बस की नहीं है मेरे को इस कंपनी में बड़ी अच्छी नौकरी मिल रही है मैं आराम की नौकरी करूंगा राइट तो आपकी बहुत सारी पोर्टफोलियो कंपनी बंद हो सकती है और होती भी हैं तो जो आपकी बाकी की फिर उसमें से फिर बची आपकी बाकी की कंपनियाँ राइट सेवेंटी परसेंट हाँ बट उसमें भी उसमें भी कुछ कंपनीज एक थोड़ी आ, दूर तक ही जा पाते हैं अगेन समटाइम्स फाउंडर्स थक जाते हैं ये लोगों को नहीं पता हाँ क्योंकि ये ग्लैमरस इमेज होता है स्टार्टअप्स का तो बिल्कुल ग्लैमर नहीं है वो आ, आ, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं पत्थर तोड़ने पड़ते हैं ऐसा होता है कि आपको हमेशा एक डर रहता है क्योंकि आपकी कंपनी ना कभी भी बंद हो सकती है ऐसी एक जो स्टार्टअप होता है ना एक वो नन्ही कली की तरह होता है जी वो कभी भी मतलब थोड़ी सी ज़्यादा हवा आ गई कुछ किसी ने पैर उस पर रख दिया वो कली मर जाती है तो स्टार्टअप उसी की तरह होता है हर स्टेज में कंपनी के कंपनी कभी भी किसी कारण के व बंद हो सकती है तो इसलिए फाउंडर्स को हमेशा वो थोड़ा सा डर रहता है और रहना भी चाहिए क्योंकि कभी भी कंपनी बंद हो सकती है तो आपको क्या मिलने वाला है क्योंकि आपका जो अपसाइड होता है जो आप वेल्थ क्रिएशन वाली जो कहानी हैं वो आप कंपनी के 12-15 साल के बाद ही आपको वो जो वेल्थ है वो मिल सकती है बहुत कम कंपनियाँ होती हैं जो बहुत जल्दी मतलब मामात का इतना नाम इसलिए हो कि वो सात आठ साल में उसने आईपीओ कर दिया जोमाटो ने बारह तेरह साल में आईपीओ कर दिया ये बहुत कम कंपनियों के साथ होता है hmm. ये इट्स नॉट द नॉर्म आपने वो वाला अक्षय कुमार का मीम देखा <laughs> वो <laughs> वो ऐसे नहीं होता है वो वह पंद्रह साल के बाद हो। <laughs> हाँ, पैसे ही पैसे हाँ, <laughs> हाँ वो नहीं होने वाला है और ये बहुत लोगों को समझ नहीं आता उनको लगता है कि आपने अगर दस करोड़ उठाए तो एक बाहर से परसेप्शन है कि दस करोड़ अपनी पॉकेट में जा रहे हैं वो आपके पॉकेट में नहीं जा रहे हैं ये ना मीडिया की गलती है बिल्कुल कि जब, मैं मानूंगी <laughs> जब स्टार्टअप्स एक राउंड रेस करते हैं तो मीडिया छाप देती है एक्स वाई जेड स्टार्टअप रेज थर्टी करोड़ रेज वन मिलियन इंस्टेड ऑफ सेलिब्रेटिंग रेजिंग न्यू राउंड आपको प्रॉफिटेबिलिटी सेलिब्रेट करनी चाहिए यूजर्स सेलिब्रेट ऑल्सो आई थिंक बहुत ज़रूरी है कि जो जो मेहनत जो पसीना खून पसीना जो फाउंडर्स भाते हैं ना वो कहानियाँ कोई नहीं लिखता है जी और कहानी तो वही है कि आपने क्या क्या सेक्रीफाइस करे क्योंकि उसके बिना नहीं होगा मैंने आ, कल एक छोटा सा वीडियो शूट करा था आ, मैंने अपने लिंकटिन पे भी डाला है इसी को लेके क्योंकि वो नारायण मूर्ति के सेवेंटी आर वीक को लेके बहुत बवाल मचा था तो मेरा ये कहना है कि आप अगर आप प्रोफेशनल हैं तो एक अलग नज़रिया है पर अगर आप फाउंडर हैं तो सत्तर भी मैं कहूँगी मतलब आपको दिन कब होती है रात कब होती है पता ही नहीं चलता है फाउंडर की जो खून पसीना एक होता है ना जी। वो फाउंडर ही जानता है और कोई नहीं जान पाएगा क्योंकि जब तक आप वो करोगे नहीं ना खुद आपको नहीं पता चलता है कि कितना कितनी मेहनत लगती है और उसके बावजूद भी आपकी कंपनी बंद हो सकती है आप फेलियर हो सकते हो या आपकी कंपनी फेल हो सकती है राइट तो वो जो एक कमिटमेंट है ना वो आपको सोचना पड़ेगा कि मेरे को वो मैं वो कमिटमेंट कर सकती हूँ या कर सकता हूँ उसके बिना आप फाउंडर नहीं बनिए अगर आपको लगता है कि आपको कुछ और लाइफ में देखना है एक्सप्लोर करना है तो बहुत सारी और चीज़ें आप कर सकते हैं जिसमें आप वो सब कर सकते हैं और मैं देखती हूँ जैसे मैं यूट्यूब के जो बड़े बड़े क्रिएटर्स को भी मैं देखती हूँ वो दिन रात मेहनत कर रहे होते हैं तो जो लगता है ना कि क्रिएटर इकोनॉमी में भी ग्लैमर जो दिखता है सच्चाई वो है कि किसी भी काम में अगर आपने दिन रात मेहनत नहीं करी आप टॉप पे नहीं जा सकते हो mm. ये सच्चाई है uh. अब आपको लगता है कि आपके पास कोई और गुरु मंत्र है जिसकी वजह से आप कर सकते हो तो आप ट्राई करो जरूर ट्राई करो अब नारायण मूर्ति ने एक तरह से कंपनी बनाई उनको वो पता है उन्होंने अपना नज़रिया बताया सबको सी जो ये हार्डवर्क की बात होती है ना वो फ़िज़िकल और मेंटल दोनों आपको वो चाहिए होता है कि वो इतनी एनर्जी लेवल्स चाहिए उतना एबिलिटी टू तो फोकस कि मतलब आप सत्तर घंटे हफ्ते में काम कर रहे हो तो आप कुछ मेंटल काम कर रहे हो ना आपको अपना दिमाग को फ्रेश रख के फोकस करके उसका आउटपुट भी निकालना है इट्स नॉट कि आप दफ्तर में बैठे हो और कुछ काम नहीं कर रहे हो ऐसे तो नहीं हो सकता है राइट right? दिन के मतलब हफ्ते के सत्तर घंटे मतलब हर वीकडे के चौदह घंटे सी दूसरी चीज़ है ना इंडिया में अभी भी काफ़ी लोगों के लिए जी। आप दफ्तर जाने के लिए कम्यूट टाइम इतना ज़्यादा होता है राइट right? फिर घर में आपको घर का सब कुछ देखना पड़ता है तो जो लोगों का रिएक्शन आया है उस वजह से आया कि भैया मेरे घर का राशन पानी भी मेरे को फिजिकली लाना पड़ता है एक आप कमा के पैसे लाए फिर वो सब भी चलाना पड़ता है कि भैया कभी कोई बिल देने जा रहा है कभी कुछ ख़राब हो गया घर में तो वो सब कैसे चलेगा अगर आप चौदह घंटे प्लस आप दो घंटे दोनों तरफ कम्यूट टाइम लगा दो तो फिर बचा क्या वीसी सिस्टम में रहकर आपने सक्सेसफुल फाउंडर्स देखे हाँ वो सत्तर घंटे काम करता है हफ्ते में यू uh, नो you know, मेरे को लगता है कि लोग मुझे ट्रोल करेंगे बट मैं कहूँ कि उससे भी ज़्यादा करते हैं आप सच्चाई शेयर कर रहे हो मतलब आप एक वीसीओ हो यू स्कै आपका जॉब ही है कि आपको अलग अलग कंपनीज और फाउंडर्स को स्कैन करना है

ये थॉट प्रमोट नहीं कर रहे क्योंकि हाँ। हमें में में नहीं 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 है है <laughs> ये ये बहुत बड़ी, बहुत जरूरी बात बात हमको नहीं करनी है। हम हम कह रहे हाँ। <laughs> आ, हम बस मूर्ति के बारे <laughs> कि उन्होंने कहा हर किसी को करता मैं खुद की एक छोटा सा इंसिडेंट शेयर करूंगा जब अभी हम आठ साल से यूट्यूब कर रहे हैं उसके साथ साथ हमने भी कंपनीज खोली थी है खोली है पर हमारे ऑनटरपनवॉशप जर्नी के शुरुआत में मेरी मैंटैलिटी ये होती थी कि और मैं सिर्फ चौबीस पच्चीस साल का था ये सब बूथ स्ट्रैप बिजनेसिस थे हमने इन्वेस्टर uh, से पैसे नहीं लिए थे पर प्रॉफिटेबल बिजनेसेस बन गए ठीक है क्योंकि मेरे को फाउंडर सब इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स थे और इंजीनियरिंग कॉलेज में ना एक मेंटालिटी होती है घिसाई की मैंटेलिटी होती है बहुत ज़्यादा uh, तो जब आप इंजीनियर्स के साथ पले बड़े हो तब तो आप में भी एक घिसाई की एक मेंटालिटी होती है तो uh, मेरी एक पॉजिटिव सोच टीम प्लेयर वाली सोच ये थी कि यार मेरे थ्रू अब सौ ऑन्टरप्रनोर और निकल के आएंगे तो मेरे साथ जो जूनियर्स काम करते थे मैंने बहुत सारों को एम्पावर किया बोला कि जाओ अभी आप खुद का बिजनेस स्टार्ट करो आ, हमारे ही बिजनेस के अंडर जिसे इंट्राप्रनोरशिप कहते हैं मतलब एक बड़ा बिजनेस बन गया अभी उस अम्ब्रेला के नीचे और बड़े बिजनेस आप बना सकते हो तो आप भी वी हो गए फिर

नशे में आकर बिज़नेस के बारे में जानने लगते हैं पर जब आप असल में बिजनेस स्टार्ट करते हो आपको घिसाई के बारे में सच्चाई के बारे में पता चलता है कि शायद फाउंडर्स के लिए नारायण मूर्ति की बात सही है और हर कोई वो नहीं कर सकता देखिए आपको किसी भी फील्ड में आप एथलीट्स देख लीजिए फिल्म स्टार्स देख लीजिए लाइक ऐसा क्रिएटर इकॉनमी में आप देख लीजिए आई कॉन्ट थिंक किसी भी फील्ड में मैं नहीं ये देख पाई हूँ कि जहाँ पे जो टॉप पे पहुँचे हैं वो हार्ड वर्क के थ्रू ही मतलब एक वो बहुत ज़रूरी कंपोनेंट है इट इज़ नॉट दी ओनली कंपोनेंट बट अगर वो नहीं है तो मुश्किल होता है क्योंकि एक दुनिया का जो एक, एक रीत है कि चीज़ें जब रफ्तार से चलती हैं तभी उसमें जान होती है आप Uh, मतलब इंसान के शरीर में भी देख लीजिए जब तक एनर्जी है तभी आप रफ्तार से चल सकते हैं जैसे आपका एजिंग प्रोसेस होता जाता है आप धीरे 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 तो आप कम कम कर पाएंगे ना। जी तो ये मैं कहूँगी uh, ये एक रीत है नेचर की रीत है तो आप उसके अगर खिलाफ जा सकते हैं मे बी वो भी पॉसिबल हो सकता है आई डोंट नो बट अभी तक जो देखा है उससे ये लगता है कि आपको वो गसाई करनी पड़ेगी hmm. uh, अगर नहीं एंड मैं इसलिए ये बहुत बोलती हूँ कि यू नो हाइप में आके कोई चीज़ नहीं करनी चाहिए लाइफ में एक जो बोलते हैं ना कि वो कॉलिंग होनी चाहिए कि मैं मेरे को करना है एक वो एक वो जुनून होना चाहिए कि मैं कुछ करके दिखाऊंगी इस फील्ड में चाहे वो कुछ भी कोई भी फील्ड हो बट ऑन्तरपना क्योंकि वो ना बहुत मुश्किल होता है एक्चुअली कंपनी बनाना यू uh, नो you know, बहुत बहुत मुश्किल होता है पीपल लोगों को लगता है कि अरे इसमें क्या बड़ी बात है इसने भी कर लिया उसने भी कर लिया इसने भी कर लिया मेरे पड़ोस में hmm. तो तीन लोग हैं मेरे चाचा के तीन बेटों ने कर लिया मतलब ऐसा लगता है कि आसान है बट बहुत बहुत मुश्किल होता है क्योंकि आइडियाज हर किसी के होता है आइडियाज़ आइडियाज सबके पास होते हैं और अच्छे आइडियाज़ होते हैं बहुत अच्छे आइडिया एक्चुअली जो प्रॉफिटेबल बन सकते हैं वो आइडियाज होता है पर पीपल मैनेजमेंट लीडरशिप घिसाई डीलिंग विध बगन डीलिंग विध में और नहीं। आपको ना जैसे एज अ फाउंडर आपका आपका जो बोझ होता है ना वो बहुत अलग बोझ होता है क्योंकि आपको अपनी टीम को मोटिवेट हमेशा करना है आपकी जितनी भी डिसअपॉइंटमेंट्स हों और बहुत डिसअपॉइंटमेंट्स होती हैं स्पेशली अर्ली स्टेज में क्योंकि बहुत लोग आपको मना करते हैं क्योंकि कोई भी एक नई कंपनी के साथ काम नहीं करना चाह नहीं। चाहता चाहे कस्टमर्स हों चाहे वेंडर्स भी हों जिसको आप पैसे देने को तैयार हो काम करवाने के लिए वो भी मना कर देते हैं राइट तो पर वो फाउंडर को हर वक्त अपनी टीम को मोटिवेट करना है हर महीने सैलरी देनी है सबको यू you नो know, और वो जो एक प्रेशर होता है ना कि फर्स्ट तारीख को तनख्वाह जानी ही जानी है दफ्तर का रेंट जाना ही जाना है वो एक अलग काइंड ऑफ प्रेशर होता hmm. है और इसमें फाउंडर्स बहुत अकेले पड़ जाते हैं क्योंकि आपकी जो टीम भी होती है ना वो भी नहीं समझ पाती है कि आपके अंदर क्या क्या हो रहा है क्योंकि रोज़ ये सोचना कि मैं और क्या कर सकती हूँ जिससे ये कंपनी आगे बढ़े बड़ी बढ़ने जिन लोगों ने मुझ में विश्वास रख के या तो पैसे दिए हैं या नौकरी करने आए हैं या जो आपके कस्टमर्स हैं जिन्होंने आपको पैसे दिए हैं बिजनेसिस गेट बिल्ट ऑन वॉट द इकॉनमी इज़ एक्सेप्शनल बिजनेस गेट बिल्ट वे यू क्रिएट द इकॉनमी तो अगर आप जेफ बिजोज का एक बहुत एक वीडियो uh, है दैट इज़ क्वाइट वायरल एंड ही हैड जस्ट आर्टेड एमेज़ोन एंड वो ट्रिलियन में बात कर रहा था तब यूज इकोनॉमी ट्रिलियन में थी ही नहीं सो दैट्स वॉर अ ग्रेट फाउंडर कि आप अपने बलबूते पे इकोनॉमी और आप दोनों आपने इकोनॉमी में इतना कॉन्ट्रीब्यूट करा सो जो वो फैंग बोला जाता है अमेरिका में दीज आर ऑल ट्रिलियन डॉल कंपनीज राइट बट ये जब कंपनियाँ बनी थी तो उस वक्त अमेरिका की इकॉनमी ये साइज़ की नहीं थी तो मैं ये कह रही थी कि जो अच्छे जो एक्सेप्शनल फाउंडर्स होते हैं वो ऐसे होते हैं वो अपने साथ इकॉनमी को भी ग्रो करते हैं वो इकोनॉमी के साइज़ से लिमिट नहीं हो जाते हैं बट फॉर मोस्ट बिजनेसेस आपको इकोनॉमी का साइज देखना पड़ेगा जिस इकोनॉमी में आप बेच रहे हो बढ़ रहे हो अब आप, आप ये कह सकते हैं कि हाँ ठीक है आप इंडिया में आपने कंपनी बनाई और आप अमेरिका चले जाओ पर इतना आसानी है क्योंकि सबको पता है कि वहाँ पर मार्केट बहुत डीप है तो हर कोई जाएगा और उनकी जो एग्जिस्टिंग लेगेसी कंपनीज़ हैं वो भी हैं तो आपका जो एक होता है कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत ज़्यादा होता है तो आपको उस तरह के फिर फंड्स चाहिए अगर आपको वहाँ पे बनाना है बट आप इंडिया में भी बड़ा बिज़नेस बना सकते हो अगर आपको आपकी ओरिएंटेशन जैसी ये फैंग कंपनीज़ की थी चाहे पहले दिन नहीं थी बट मे बी पाँचवें साल में या दसवें साल में या पंद्रहवें साल में उनकी एग्जिस्टेंस के उनको ये समझ आया कि ये कितना बड़ा बन सकता है तो मैं वो जेफ बीजोस के जो वो वीडियो की बात करी थी उसमें वो ही टॉकिंग लाइक क्रेजी नंबर्स एंड आज कोर्स कोई हंस नहीं रहा है बिकॉज एक्चुअली हासिल कर लिया हाँ वो उन्होंने करके दिखा दिया है बट कहने का ये मतलब है कि आपके पास इम्पॉसिबल ड्रीम्स होनी चाहिए एंड उस इम्पॉसिबल ड्रीम्स को आपको रोज़ वो सपने देखने चाहिए पर उसके साथ काम भी करना पड़ता है और वो जी जान की मेहनत करनी पड़ती है और वो हो सकता है तो आज अगर वी को नहीं समझ आ रहा है देर नो प्रॉब्लम आप गूगल की कहानी देख लीजिए आई थिंक सत्रह या बीस वी ने उनको मना करा था डिस्पाइट uh, की जो सर्गे ब्रिन है जो एक को फाउंडर हैं आई मीन ही वॉज़ कंसिडर्ड अ जीनियस इन स्टैनफर्ड उसके बावजूद उनको इतने रिजेक्शन फेस करने पड़े बिकॉज जो एक वो जो एक्स फैक्टर है ना कि अगर कोई जीनियस है या कोई बहुत अच्छा कर रहा है उसकी कंपनी उस साइज तक वो किसी को नहीं पता वो एक्स फैक्टर कहाँ है कब है वो दिखता नहीं है तो वो आइडेंटिफाई करने में ही सारे वीसीज की जान चली जाती है क्योंकि यू कोड डाई राइट इट्स अ लिटिल बिट लाइक यू नो वाइल्ड वेस्ट में जब लोग सोना ढूंढने जाते थे तो बहुत लोगों की जान जाती थी क्योंकि सोना इतनी आसानी से थोड़ी मिलता है राइट right? hmm. और उस वक्त नहीं मिलता था तो जो जितनी भी अगर आप वेस्टर्नस uh, देखेंगे मूवीज़ सो इसका सब्जेक्ट मैटर सबका यही है कि आप सोना कैसे आप यू नो आई फॉरगेटिंग द नेम ऑफ दिस मूवी बट ये बहुत अच्छी एक मूवी थी ऑन इलेक्ट्रिसिटी कि एडिसन वर्सेस निकोला एंड हाँ सी हाँ कुछ फ्लाइट एंड माय गॉड तो यू नो आप वो पिक्चर देखो निकोला एट जीनियस एडिसन आल्सो ऑफ कोर्स यू नो नॉट हाँ स्मार्ट बट हाउ दैट होल थिंग आप इलेक्ट्रिसिटी को कैसे आई मीन यू नो लोग डर रहे थे पर फिर जे पी मॉर्गन एज द इंडिविजुअल उसने पैसा लगाया फर्स्ट वर्जन ऑफ वी सी तो मेरा ये कहना है कि वो जीनियस बनेगा या स्मार्ट वाला बंदा यू नो समथिंग दैट डिफाइन एंड शैटर्स कि वो दुनिया बदल दी उसने ना द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ने सब कुछ बदल दिया पूरी दुनिया में सब कुछ बदल दिया तो ऐसा अगर आपको काम करना है वो बहुत कम लोग होते हैं दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं बट एवरीबडी शुड ड्रीम टू बी दैट या गुरु भाई गुरु भाई मैं यू नो आई रियली फील लोग अपने आप को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं वो अपने आप को एक खुद ही अपने आप को एक पिजन होल में डाल देंगे कि मैं बस इतना ही कर सकता हूँ या मैं इतनी ही कर सकती हूँ बट माय बिलीव इज कि सब कुछ कर सकते हैं बट इट स्टार्ट अपने दिमाग में आपको कन्विंस करना पड़ेगा अपने आप को पहले कि आपने बहुत बड़ा काम करा है और कर सकते हो Uh, आपकी वी की जर्नी कब शुरू हुई थी तो 2019 में मेरे को लाइसेंस मिला पहले फंड के लिए एंड उसमें बहुत लोगों ने बोला कि कैसे करोगे आपको वी का एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं तो कहती हूँ जिसको एक्सपीरियंस नहीं वही अच्छा करता है क्योंकि एक्सपीरियंस के साथ आप बहुत सारा बैगेज लेके आते हो hmm. कि भैया ही हो सकता है ही हो सकता है फ्रेश थिंकिंग आई थिंक सबके लिए ज़रूरी है एंड थोड़ा सा ना आई थिंक जो मैं फ़ाउंडर्स में देखना चाहती हूँ एंड आई होप मेरे हर फाउंडर्स में यही है कैपेबिलिटी वो कैन डू एटीट्यूड होना चाहिए एंड मतलब कैन डू मतलब कि कर देंगे डजेंट मैटर एंड जब जब मेरे को लाइसेंस मिला सी वी सी बहुत एक्चुअली कॉम्प्लेक्स बिजनेस है तो आपको जब आप किसी भी जर्नी की शुरुआत करते हो ना आपको नहीं पता होता कि क्या क्या मुश्किलें आएंगी राइट right? बट जो भी मुश्किल आती है इंक्लूडिंग रिजेक्शन rejection, और रिजेक्शन हर हर इंसान के पास मेरे को लगता है सब ने रिजेक्शन देखी हुई ज़िंदगी में पर आप उस रिजेक्शन को लेते कैसे हो एंड इट्स नॉट कि अगर लेमन मिल गए तो लेमनेट बनाओ वो भी एक थोड़ा सा सिम्पलिस्टिक uh, नज़रिया है मेरे हिसाब से बट ठीक है कुछ ऐसे ऐसे रिजक्शन होते हैं जिसमें आपकी कुछ लर्निंग हो सकती है बट वो समझना कि कहाँ से लर्निंग लोग कहाँ से वो यू you नो know, वो जो नेगेटिव चीज़ जो कभी आती है उसको कैसे निकालें तो जब मैंने शुरू करा मेरे फ्रेंड्स बड़े अच्छे अच्छे बड़ी अच्छी कॉपरेट कंपनियों में काम कर रहे थे एंड जब हम कहीं जाते थे सोशली तो उनके जो एम्प्लॉज थे उसके नाम ब्रांड नेम पे उनको उनका बड़ा आदर सत्कार होता था किसी ने रुकम का नाम नहीं सुना था एंड लोगों को लगता था हाँ ठीक है कल बंद हो जाएगी यू you नो know? तो ये जो एक इम्प्लिसिड uh, लोगों के दिमाग में होता है ना यू कैन ऑलवेज सी दैट थॉट बबल कि ये मम यू नो जजमेंट हाँ कि ये तो कल ही बंद हो जाएगी कम नहीं यू नो शीज जस्ट डूइंग इट इसको क्या पता है ये कैसे कुछ कर पाएगी बट यू डोंट हैव टू बाय टू द जजमेंट ना hmm. वो तो उनका जजमेंट है hmm. तो आप क्यों अपने अपने आप उसको क्यों uh, सही मान रहे हैं मैं आप पाँच साल से वीसी हो डायरेक्ट सवाल है दो डायरेक्ट सवाल है पहले तो जितने भी सक्सेसफुल फाउंडर्स देखे यानी कि जिन पर आपने बेट किया जिनमें आपने इन्वेस्ट किया और जिनसे आपको रिटर्न्स मिले अपने एल के लिए उन फाउंडर्स स्लैश कंपनीज में खासियत क्या थी और फिर एक और एडिशनल सवाल है कि जितने भी फाउंडर्स और कंपनीज़ को सक्सेस मिले आपके साथ उनमें से सबसे बेस्ट कंपनी और बेस्ट फाउंडर के बारे में बताएं सी आई थिंक एक कॉमनैलिटी हर फाउंडर में जो सक्सीड करते हैं और जिन्होंने करा है दे डोंट गिव अप। आपको किसी भी हालत में रुकना नहीं है अगर आप रुक गए जो रुक गया वो मर गया जो डर गया वो मर गया दोनों चीज़ें लागू होती हैं फाउंडर्स के लिए तो बहुत सारे फाउंडर्स होते हैं वो बोलते हैं ओह थक गए यू नो पता नहीं मार्केट इतना ख़राब है दे नो लॉन्गर गेटिंग वो सारी हेडलाइंस बट सो वॉट आपने कंपनी हेडलाइन के लिए नहीं बना रहे हो आप आप कंपनी इसलिए बना रहे हो कि हमेशा आप हेडलाइन हों एक दिन की हेडलाइन के लिए नहीं कंपनी बनाता है कोई और जो बना रहा है अच्छा है वो थक जाए बिकॉज आपको जो करना है ना लाइफ में आप अगर किसी और के ताने से अगर रुक जाओ बहुत जरूरी होती है आत्मविश्वास सबसे जरूरी है फाउंडर में बाकी कुछ नहीं आई की डिग्री नहीं चाहिए पैसा नहीं चाहिए आत्मविश्वास okay. uh, की कुछ खासियत थी फाउंडर की खासियत होती है कंपनी की नहीं होती है ऐसे कुछ नहीं है कि मतलब एक सेट फॉर्मूला होता है कंपनी के लिए तो टोटली सेट फॉर्मूला यही है कि आपको अपने बहुत इंडिया में फाउंडर्स हैं जो प्रोडक्ट बना लेते हैं एंड थो आई मीन दे अंडरस्टैंड कि ये गैप है बट प्रोडक्ट को बिजनेस में बनाने के लिए वो एक अलग जर्नी होती है तो वो समझना बहुत ज़रूरी है कि आपने एक टका पैसे खर्च करा तो बीस टका तो वापस आना चाहिए ना अगर नहीं आ रहा है क्यों नहीं आ रहा है क्या कर सकते हो तो वो जो पार्ट है वो बहुत फाउंडर्स इग्नोर करते हैं स्पेशली अर्ली स्टेज में उनको लगता है कि मैं रेवेन्यू ग्रोथ दिखा के वहीं पर मेरे को वी मिल जाएगा मेरी वैल्यूशन बन जाएगी और सब खुश हो जाएंगे कि वैल्यूशन मिल गई मतलब यहाँ कॉस्ट कटिंग का एक फैक्टर होता है का नहीं I, I, मैं जो कहने की कोशिश कर रही हूँ कि देखिए अब आप मोबाइल फ़ोन्स ले लीजिए राइट बहुत सस्ते स्मार्टफोन्स भी मिलते हैं एप्पल मिलता है एप्पल हर साल अपना प्राइस बढ़ा देता है पर फिर भी यू बाय एप्पल बिकॉज उसने जो अपने कंज्यूमर को समझा है एप्पल ने विच इज़ बाय वो आप प्रीमियम भी कमांड कर सकते हो राइट right? और कुछ होते हैं जो बोलते हैं चलो डिस्काउंट डिस्काउंट बिकॉज उसने कंज्यूमर को समझने की कोशिश ही नहीं करी है कंज्यूमर हमेशा दिल से ख़रीदने के डिसीजन लेते हैं दिमाग से नहीं मोस्ट hmm. कंपनीज़ वो दिमाग को यू नो सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं कि अच्छा ये आप लोगे तो इतना आपका पैसा बचेगा बट एप्पल ने हमेशा दिल से बात करी है कंज्यूमर के तो आई हैव नो रैशनैलिटी कि इसकी टेक्नोलॉजी सबसे अच्छी है नहीं है मैं वो देख ही नहीं रही हूँ hmm. मैं सब एप्पल देख रही हूँ राइट hmm. right? तो जिस फाउंडर ने अपने कंज्यूमर को चाहे आप बी टू बी कर रहे हो या बी टू सी कर रहे हो आपका कंज्यूमर कस्टमर होता है जिसने कस्टमर को अच्छे से समझाया ना वो कुछ भी बेच सकता है जैसे कि बाईजूस क्या हुआ था मतलब सिर्फ बाईजूस की बात नहीं कर रहा हूँ पर ये जितने भी कंपनीज बहुत ज़्यादा पैसा रेज कर लेते हैं Uh, अलग अलग चीज़ें सुनने में आती है कि कुछ लोग कहते हैं कि वी ने ज़्यादा प्रेशर डाल दिया बोर्ड में आके कुछ लोग कहते हैं कि uh, बहुत ज़्यादा ग्रोथ करने uh, में दे लॉस द प्लॉट कुछ लोग कहते हैं कि रॉन्ग हायरिंग हो गई uh, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जिन कंपनीज़ को थोड़ी सी ग्रोथ मिलकर फिर फेलियर देखना पड़ता है क्या होता है वहाँ सो लाइक आई सेड पहले भी ना सी कंपनीज एक्चुअली बहुत फ्रेजाइल होती हैं तो ये सिर्फ स्टार्टअप्स में ये कहानी नहीं है अगर आप लेमन ब्रदर्स जो हुआ था 2008 में वो छोटी कंपनी तो नहीं थी एक दिन में गायब हो गई राइट right? तो कंपनियां बहुत फ्रेजाइल होती हैं तो जो उसके कस्टोडियंस होते हैं ना कंपनी के चाहे आप उसको फाउंडर बोल दो सीईओ बोल दो बोर्ड मेंबर्स बोल दो इन्वेस्टर्स बोल दो उनका सबसे बड़ा डर यही होता है कि किसी भी वक्त फॉर डिफरेंट वो कंपनी बंद हो सकती है राइट right? इसलिए इतने सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं और जितने ज़्यादा स्टेक होल्डर्स हैं टू सम समय अच्छा होता है बिकॉज आपको अलग अलग पर्सपेक्टिव मिलता है अलग अलग सोल्यूशनस मिलते हैं वो बहुत ज़रूरी होता है एक अकेला इंसान सब कुछ नहीं समझ आ समझ सकता है राइट right? तो अगर आपके स्टेक होल्डर्स अगर गलत है तो नतीजा गलत ही निकलेगा मतलब जिन लोगों से पैसे रेज किए हैं वो नहीं स्टेक होल्डर्स बहुत सारे होते हैं ना आपके इंप्लॉज़ भी आपके स्टेक होल्डर्स हैं आपके कस्टमर्स भी आपके स्टेक होल्डर्स हैं आपके बोर्ड मेंबर्स भी आपके स्टेक होल्डर्स हैं कई लोग होते हैं उनके एक्सटर्नल एडवाइज़र्स uh, होते हैं जिनका कंपनी से कुछ लेना देना नहीं है बट वो फाउंडर के दिमाग में इतने बैठे हुए होते हैं कि वो बहुत कुछ उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं तो गलत चीज़ें मेनली इसलिए होती हैं कि अगर आप जिस गोल से आप निकले हैं ना उससे अगर आप थोड़े से भी डगमगा जाते हैं एंड जो मैं दूसरी बात आपको बोली कि प्रोडक्ट बनाने से सिर्फ कंपनी नहीं बनती है इन्वेस्टमेंट रेस करने से भी कंपनी नहीं बनती है वो बिज़नेस उसका कैसे बनता है अगर वो आपको जर्नी नहीं पता है और उस जर्नी, जर्नी पे आप अगर अटल नहीं रहते हैं और उस जर्नी में जो बहुत सारे टेम्टेस आते हैं अगर आप उससे अपने आप को परे रख सकते हैं तो होपफुली आपकी कंपनी बढ़ती जाएगी इन योर आइज वॉट रॉन्ग्रशली कॉन्ट्रोवर्शियल नहीं है इट्स दैट सी आई बिकॉज मेरे पास ओनली जो मीडिया में खबरें आई हैं वही हैं आई हैव नो वे ऑफ नोइंग कि अंदर क्या हो रहा था सो आई थिंक इट्स अनफेयर दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूँगी कि सी हर कंपनी में बहुत उतार चढ़ाव होते हैं इंक्लूडिंग इन द बिग एस्टैब्लिश कंपनीज राइट अब जैसे फेसबुक ने यू नो दे वेंट इन टू मेटा नहीं सक्सेसफुल हुआ बट नो बडी इज़ गोइंग आफ्टर फेसबुक है वो मेटा फील हो गया मेटा फील हो गया राइट सो इट्स बिकॉज दे कैन अफोर्ड द पी आर दे कैन मैनेज की oh, gaya, right? so, the PR, कि क्या नैरेटिव बाहर जा रहा है इट्स अ वेरी पावरफुल कंपनी वेरी कैश रिच तो फेलियर इज़ पार्ट ऑफ बिजनेस मैं यही बोल रही हूँ बार बार ये ना लाइक वी आर वेटिंग फॉर पीपल टू फेल एंड देन डांस ऑन द ग्रेवस कि भैया ओ देखा ये तो इसने ये, ये गलत करा एंड वी स्पेशली डोंट लाइक पीपुल जो थोड़े सक्सेसफुल हो जाते हैं उनको तो उनकी फेलियर के हम ट कर रहे होते हैं कि कब ये गिरेगा तो मैं बोलूंगा कि हाँ देखा इस वजह से exactly. exactly. जर्नी so, की, की लंबी होती है मैं बार बार वो बोल रही हूँ अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ इन दब्लिक डोमेन किसी को पता नहीं रीजन क्या पता है तो बोर्ड को पता होगा बट इट्स बेस्ट दैट दे कॉमेंट बट ओवरऑल अगर आप बात करते हैं कि अगर किसी कंपनी में कोई क्राइसिस आता है मैं ये कह रही हूँ हर कंपनी में क्राइसिस आता है हर कंपनी में जब नॉर्मली ऑन्टरप्रिनर्स के साथ डिस्कशंस हो रही होती हैं आजकल एक ट्रेंड ये बन चुका है कि लोग बूथ स्ट्रैपिंग में बिलीव करते हैं अप टू अ पॉइंट फॉर रीजनज लाइक बाई हैपनिंग कि इतने झट से इतना ज़्यादा पैसा रेज कर लिया यू कांट मैनेज दैट रेट ऑफ ग्रोथ दैट्स द पब्लिक नैरेटिव क्या आप सहमत हो डू थिंक दैट्स द राइट टू हैव कि एक पॉइंट तक बूटस एप करना चाहिए क्योंकि इट्स नॉट जस्ट बाय जूस बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा पैसा रेज कर लेते हैं सी वन ऑफ द की थिंग्स एक फाउंडर को जो समझ होनी चाहिए सी टू मच मनी टू लिटिल मनी बोथ आर हार्मफुल एंड मनी एट द राइट टाइम सबसे ज़रूरी होता है तो अगर इट्स लाइक like, आप पौधे को कब पानी दोगे कब नहीं दोगे या पूरा ही उसको कह दोगे तो कि, कि तू तो अपने हाल पे जी ले राइट right? तो लाइक एवरी थिंग एल्स उसका एक थोड़ा सा साइंस है बट वो सिर्फ फाउंडर ही समझ पाता है अपनी कंपनी के लिए कि इस बिज़नेस में इस कैटेगरी में मुझे कितने पैसे चाहिए और अगर आप कम रेस करते हो तो भी प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा करते हो तो भी प्रॉब्लम है और कब करते हो वो भी बहुत ज़रूरी होता है तीनों चीज़ें ज़रूरी होती हैं अगेन अनफॉर्चुनेटली ऐसी कोई अ, मतलब जगह नहीं है जहाँ पे ये फाउंडर ये सब सीख सकते हैं बिकॉज इट इज़ वेरी स्पेसिफिक ऑफ अ सर्टन टाइम इन विच आप कंपनी बना रहे हो किस तरह की कंपनी आप बना रहे हो तो वो हर कंपनी में अब जैसे एल एल कंपनीज़ हो रही हैं तो इट इज़ बिलीव्ड कि आपको मिनिमम चालीस पचास मिलियन तो चाहिए ही चाहिए ऑन डे वन राइट किसको uh, पता है सच क्या है झूठ क्या है कि पचास मिलियन चाहिए कि दस मिलियन चाहिए कि बीस मिलियन चाहिए राइट right? तो मेरा कहने का ये मतलब है कि वो फ़ाउंडर को थोड़ा सा uh, थोड़ा सा ज़्यादा घुस के सी पैसा ना बुरी चीज़ नहीं है पर अगर आप पैसे को नहीं समझते हो तब वो आपको दुख देती है तो इसलिए अगर आप फाउंडर हैं तो आपको ये सब समझना पड़ेगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट uh, जो मिल मिल सकती है आपको कितनी चाहिए क्यों चाहिए तो अगर कोई अच्छा वीसी है तो हम हमेशा सवाल पूछते हैं कि आपको इतने पैसे क्यों चाहिए एंड वो कुछ भी अमाउंट हो सकता है चाहे आप पचास लाख रेस कर रहे हो या पचास करोड़ रेस कर रहे हो मतलब आप फाउंडर से एक ब्रेकडाउन देखना चाहते हो कि का करोगे क्या नहीं बट इससे ज़्यादा भी व्हाट मैं देखना चाहती हूँ कि आप समझ रहे हो आपके कस्टमर तक आपको पहुँचने के लिए अगर इतनी दूरी है आपके और आपके कस्टमर में तो फिर वो बिज़नेस एग्जिस्ट करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए राइट right? दूसरा देखिए ये बहुत अच्छा लगता है हेडलाइंस के लिए कि मैं ग्लोबल कंपनी बनाऊंगा सो अगेन जो बहुत पैसे रेज करते हैं दे डू इट बिकॉज जैसे है हाँ मैं अमेरिका में भी बट भैया वो अमेरिकन मार्केट आपके लिए थोड़ी बैठा हुआ है राइट mm. right? और आपको उसका कुछ पता ही नहीं कि कितने पैसे लगेंगे तो आपने तो रेज़ कर लिया कि भैया मेरे को अमेरिका जाना है बट आपको पता ही नहीं है राइट तो अगेन ना आपने पैसे रेज कर लिए और आप खर्चोगे कहाँ पे फिर फिर आप उल्टी सीधी चीज़ें भी करने लग जाओगे बिकॉज आपको जस्टिफाई करना है कि मैंने तो इतने पैसे रेज करे तो पैसा ऐसी आप, आप उल्टी सीधी चीज़ें करने लगोगे क्योंकि आपको प्रॉफिट कमाना है आप ऐसे कह रहे हो नहीं इट्स बिकॉज आपका अगला राउंड कैसे होगा ना अच्छा मतलब अगले राउंड में इन्वेस्टर्स को ये दिखाना ये देखो रेवेन्यू ऐसे होगा हाँ कि मैंने ये ठीक से डिप्लॉय करा पैसा सो so दैट मेरा बिजनेस आगे बढ़ा फिर आप अगला राउंड इसलिए फिर रेस कर पाओगे ना कुछ ऐसे फाउंडर्स होते हैं जिनको सिर्फ राउंड्स रेस करना और फिर एग्जिट लेनी है actually है फिर वीसी से कैसे पकड़ते हैं इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ये ये सॉरी पर एक बहुत लार्ज स्केल पर चोरी कर रहे हैं। आप से भी कंज्यूमर से भी आई I मीन mean, वो सी वो इनफैक्ट जो अच्छे फाउंडर्स होते हैं ना उनका भी वो थोड़ा सा सत्यानाश कर जाते हैं बिकॉज फिर किसी पे भी विश्वास नहीं रहता है इन्वेस्टर्स uh, का चाहे वो वी हो चाहे कोई डायरेक्टली इन्वेस्ट कर रहा है तो ये सब चीज़ें ना सी एकोसिस्टम को साफ रखने के लिए सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मतलब सिर्फ वी uh, की नहीं होती है सबकी होती है जहाँ पे आपको पता है वो फाउंडर गलत कर रहा है या कर रही है तो आपको नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए जस्ट बिकॉज किसी और की जिंदगी आप थोड़ा सा उसको होते हैं मैं नाम नहीं लूंगा पर ताकि लोगों को थोड़ा सा पर्सपेक्टिव मिल जाए इसलिए एक चीज शेयर करूंगा आप समझ जाएंगी मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ फिर आप कहो कि अगर मैं सही कह रहा हूँ या गलत मेरे फ्रेंड है निखिल काम जिनकी एक बहुत बड़ी कंपनी जीरो था इट्स बूथ स्ट्रैप्ट तो उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है लाइफ के बारे में uh, और मैं बिज़नेस के बारे में भी उनसे ही सीखता हूँ कि मैंने खुद एम नहीं किया सो यू लर्न फ्रॉम मोर एक्सपीरियंस पीपल मैंने उनसे एक बहुत मशहूर फाउंडर के बारे में पूछा जो बहुत स्मार्ट माने जाते हैं और बेसिकली uh, उन्होंने ये कहा कि हाँ बट इफ यू स्टडी हिज ट्रैक रिकॉर्ड उनके उनकी जो एग्ज़िट हुई उस एग्जिट के बाद वो कंपनी डूब गई और वो एक बिजनेस की पहचान होती है कि किसी फाउंडर के एग्जिट के बाद क्या वो कंपनी जिंदा थी या मर गई अगर कंपनी मर गई इन मेनी केसेस इट कि उन्होंने एक्चुअली तगड़ा बिजनेस नहीं बनाया था पर वीसीज को बड़ा चढ़ा के बातें बोली अच्छी सेल्स गेम खेली और फिर बेसिकली पैसे चोरी कर लिया आप कुछ कहना चाहोगे इसके बारे कि क्या मैं गलत सोच रहा हूँ आई एम ओपन टू नहीं आई मीन यू आर राइट एंड देखिए सी अगर uh, लोगों को लगता है कि मैं बहुत लोगों को लगता है और मेरे को बहुत ही समझाना पड़ता है लोगों को वो पूछते हैं अच्छा आप पैसे देंगे आप uh, क्या रखेंगे क्या कोलेट्रल है ऐसे नहीं नहीं ये एक्विटी इन्वेस्टमेंट है हम कुछ गिरवी नहीं रखवाते हैं अपने साथ सो भी बोला अच्छा ये तो मतलब इन, इन इनका दिमाग नहीं होगा इनके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं कि हमको ऐसे ही पैसे दे रहे हैं राइट इंडिया में ये परसेप्शन है कि बिकॉज एकविटी इन्वेस्टमेंट इतनी कॉमन नहीं होती थी ये वी जो है बहुत इट्स अ वेरी रिसेंट थिंग आई वुड से पंद्रह बीस साल जहाँ पे कुछ होते थे इन इन द लास्ट फाइव सेवन इयर्स काफ़ी आ गए हैं अब राइट तो अभी लोग इतने फमिलियर नहीं हैं कि कोई आपको पैसा दे सकता है बिज़नेस बनाने के लिए बिना कुछ गिरवी रखे राइट ये बहुत नया कॉन्सेप्ट है बहुत लोगों के लिए इंडिया में तो ए, कुछ लोगों का ये मानना है कि फिर ये तो मतलब थोड़े गधे होंगे या लापरवाह होंगे अपने पैसे के बारे में इसलिए ऐसे पैसे दे रहे हैं पर सच्चाई ये है कि दुनिया में स्पेशली अमेरिका जहाँ पे ये बिज़नेस शुरू हुआ वी का बिज़नेस बेसिकली अमेरिका में आ, आ, से शुरू हुआ है वहाँ पे बड़ी कंपनियाँ ऐसी ही बनी हैं कि भैया कुछ इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने एक किसी फाउंडर पे यू नो कहा कि हाँ तुम बना सकते हो ये बड़ी कंपनी तो ये जो लोग गलत करते हैं ना ये अपने लिए भी ख़राब करते हैं और सबके लिए ख़राब करते हैं क्योंकि फिर लोगों का विश्वास उठ जाता है कि ये गलत इको है एल बोलेंगे कि अरे हम अपना पैसा ऐसे क्यों लगाएं तो मैं बिल्कुल यू नो you know, निखिल कामत से बिल्कुल सहमत हूँ कि द टेस्ट ऑफ अ गुड फाउंडर इज़ जिसने अपने लिए अपने एम्प्लॉज़ के लिए अपने इन्वेस्टर्स के लिए और अपने कस्टमर्स के लिए अच्छा काम करना चाहिए विच मीन्स वेल्थ क्रिएशन एंड उनकी कोई ज़रूरत आपने अच्छे से पूरी करी है दोज आर ग्रेट कंपनीज अगर किसी फाउंडर ने सिर्फ अपने लिए पैसे कमाएं वेरी बैड फाउंडर नवर टच दैट फाउंडर अगैन और ऐसे बड़े बड़े हैं जिन्होंने पैसे कमाएँ हाँ, हाँ बहुत सारे हैं बहुत भी नहीं हैं बट क्या होता है कि लोग उनसे इंस्पायर हो जाते हैं तो वो थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट है कि अगर उनसे अगर इंस्पायर हो जाए और ऐसा ना हो कि लोग सोचें कि यही तरीक़ा है पैसे जल्दी से बनाने का सही बहुत लोग इस भ्रम में रहते हैं कि कैसे जल्दी से पैसा आ जाए कि बस मैं एक ये चीज़ करूँ आज और कल मेरे पास करोड़ों में पैसा आ जाए ऐसी कोई चीज़ नहीं है दुनिया में कि आज अगर आप करोगे और कल आपके पास पैसा आ जाएगा ऐसी कोई चीज़ नहीं है क्या आपको ये लगता है कि कंज्यूमर ज़्यादा एजुकेटड हो रहे हैं आई फील कि हो रहे हैं आई थिंक कंज्यूमर्स हमेशा से एजुकेटेड हैं यू नो क्योंकि अगर आप अगर वो किसी प्रोडक्ट या किसी कंपनी को रिजेक्ट कर रहे हैं इसीलिए करें क्योंकि उस कंपनी ने वो देखा नहीं है कि कंज्यूमर को चाहिए क्या तो या तो वो बिल्कुल बोगो या फ्री में देने की या डिस्काउंट्स मैं इस नजरिए से पूछ रहा हूँ कि हुँ. मतलब जब मैं कंज्यूमर्स कह रहा हूँ मैं पॉडकास्ट लिसनर्स के बारे में बात कर रहा हूँ जो यूट्यूब के कंज्यूमर्स हैं आई पर्सनली बिलीव कि वो इसीलिए नितिन और निखिल कामर को इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि वो एक बूस्टर ऐप रेप्यूटेशन है क्योंकि जीरोधा को इतनी अभी भी ग्रोथ मिल रही है क्योंकि निखिल और नितिन कामर के पर्सनैलिटीज़ अब लोग जान रहे हैं दिस इज वॉट इट एक्चुअली टेक्स और लोगों को पता चल रहा है कि, uh, किसमें एक्चुअली किस मतलब जस्ट बिकॉज मतलब नहीं कि उस इंसान में actually दम डेफिनेटली है सेल्समैनशिप बहुत अच्छे से करी है डू यू फील की लोग समझेंगे क्योंकि मेरी इंटेंशन इस पॉट के साथ यह कि लोग वीसी के बारे में भी जाने पर भारत कि स्टार्टअप इको सिस्टम की असलियत के बारे में भी जाने क्योंकि अक्सर अच्छा जब मैं बैंगलोर जाता हूँ मुझे बैंगलोर बहुत अच्छा लगता है लोग बहुत अच्छे हैं पर जब आप स्टार्टअप सर्कल्स में घूमते हैं ना बहुत सारे लोग बहुत फोर्सफुल होते हैं खुद के स्टार्टअप रेपूटेशन में लेकर बेचते हैं खुद को कि ओ मेरा नाम ये और मेरी कंपनी <laughs> ये ये करती भाई मुझे नहीं जानना है पीपल ट्राई सेलिंग टू मच बट लोगों को एक एडुकेशन होनी चाहिए भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम के बारे मैं उस नज़रिए से आपसे पूछ। सो आई थिंक द फैक्ट दैट आजकल एंड निखिल कामत यू uh, नो you know, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं काफ़ी खुल के आई थिंक बहुत अच्छी बात है बिकॉज़ आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट कि जो अगले जनरेशन के फ़ाउंडर्स हैं ऐसे फाउंडर्स की बात uh, सुने और समझें कि क्या लग आई I मीन mean, क्या क्या आपको करना पड़ता है और अच्छाई और बुराई के बीच में उनको अंतर दिखे और समझे राइट right? तो आई थिंक देर आर सम वेरी वेरी गुड फाउंडर्स एंड आई थिंक द बेस्ट इज जो कभी एग्जिट ही नहीं करता है अपनी कंपनी से राइट या क्योंकि वो आपकी ज़िंदगी भर की तपस्या होती है नॉर्मली लोग ये तपस्या शब्द बिज़नेस के साथ नहीं जोड़ते हैं क्योंकि वहाँ पे पैसा है और लोगों को लगता है पैसे का मतलब कि वो उसमें बहुत ऐशवाम है बट जो सबसे अच्छे फाउंडर्स होते हैं ना वो वो ऐशो आराम उनको एक्चुअली मिलता नहीं है जो तो hmm. बाहर से शायद दिखे कि वो अच्छा बड़ी गाड़ी में बैठे हैं बट बड़ी गाड़ी में आ, आराम नहीं होता क्योंकि आप 24 घंटे काम कर रहे हो आप 24 घंटे सोच रहे हो कि और इस कंपनी को मैं आगे कैसे लेके जाऊं सो so जैसे मैंने बोला आपको अपने एम्प्लॉज अपने इन्वेस्टर्स और जितने भी आपके की स्टेक होल्डर्स हैं उनके लिए वेल्थ क्रिएशन और अपने कस्टमर्स के लिए ऐसा प्रोडक्ट या ऐसा सर्विस uh, होनी चाहिए जो उनकी ज़िंदगी में कुछ बेहतरीन मतलब होए जहाँ से वो अभी हैं राइट right? अगर आपकी कंपनी ये चीज़ें नहीं कर रही हैं एंड जिस जिस फाउंडर के पास ये सर uh, जुनून होता है ना कि मेरे को ये सब करना है वो कभी छोड़ ही नहीं सकता है बिकॉज़ उसको पता है उसकी कंपनी को उसकी ज़रूरत हमेशा होगी तो अमीना स्टीव जॉब्स नहीं निकल अमी ही नेवर लेफ्ट एपल राइट बिकॉज एपल वुड है बी ना डिफरेंट कंपनी फिर ऑफकोर्स आफ्टर सर्टन साइज वो आप लीडरशिप बना सकते हो टैलेंट होता है देर आर स्टेक होल्डर्स क्योंकि वो ई सॉप्स पर होते हैं सो देन यू हैव समाइक टिम कुक हु टेक्स ओवर सीमलेसली यू नो एंड ग्रोज द कंपनी इवन मो तो ये पॉसिबल है बट अगर फाउंडर थोड़ा जल्दबाजी में है कि दस साल में मैंने इतने पैसे बनाए फिर मैं ये करूँगा मैं वो करूँगी आई थिंक हम उन फाउंडर्स से थोड़ा दूर रहते हैं okay. uh, हमने फ्यूचर जनरेशन ऑफ फाउंडर्स के बारे में थोड़ी सी बात करी उस पर्सपेक्टिव से मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि एक इंडियन पर्सपेक्टिव से भारत के पर्सपेक्टिव से वॉट इज़ द फ्यूचर कुछ ऐसे सेट इंडस्ट्रीज हैं या सेट ट्रेंड्स हैं वी वर्ल्ड में Uh, जैसे कि को कहते हैं कि ड्रोन्स के स्टार्टअप्स को बहुत ग्रोथ मिलेगी फिर ऑब्वियसली एआई का एक नया ट्रेंड है फिर सैम ऑल्टन कह रहे हैं कि नहीं भारत का एआई इकोसिस्टम बहुत uh, पीछे uh, पीछे है एज़ कम्पेयर टू द इंटरनेशनल इकोसिस्टम सिस्टम इच माइट बी ट्रू आई डोंट नो आप वी हो आपको ज़्यादा पता है इसके बारे में तो जनरली भारत के अगले डेकेड के बारे में ये मैं एक नेशनलिस्टिक परस्पेक्टिव से नहीं पूछ रहा हूँ क्योंकि एक पोएटिक नारेटिव होता है कि हाँ सोने की चिड़िया हाँ भारत को बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी जी की ग्रोथ इतनी हो रही ये पोलिटिकल नैरेटिव भी है uh, मैंने पॉडकास्ट से जाना है कि असलियत एक्चुअली आप जैसे लोग जानते हैं जो स्टार्टअप्स में काम कर रहे हैं ऐसा कोई देश नहीं है जो ये नहीं ट्राई कर रहा है राइट बट uh, इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया कांड विन ए आए क्योंकि इंडिया में बहुत यूनिक अपॉर्चुनिटीज़ हैं तो यू नो वी डिड दिस इवेंट कॉल न्यू डेली स्लास्ट और हमारा फोकस ए आई डी टेक था और जो हमारा मेन क्रक्स जो इवेंट का था यही था कि इंडिया की प्रॉब्लम यूनिक होती हैं तो इसके सॉल्यूशंस भी इंडिया से ही निकलेंगे ए में और डीप टेक में अब बात रही पैसे की तो जो उसका मेन उसका जो जवाब था कि इंडिया में उतने हैं, पैसे हैं नहीं इन्वेस्टमेंट के लिए क्योंकि ये जीरो सम गेम हो सकती है ना कि आपने बहुत सारे पैसे डाल दिए कंपनी में कि वो एलएलएम एल बट ये अभी आ, वर्क इन प्रोग्रेस है एल एल एम्स वर्क इन प्रोग्रेस कम्प्यूट यू नो ये सारा जो समझ एल एम समझाइए लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स तो ये जो ए आई का जो जेनरेटिव ए आई का जो प्रोग्रेस हुआ है ये एल एल एम के बेसिस दैट्स अ बेस बेसिकली तो उसमें देर इज़ अ लॉड ऑफ कैपिटल आई मीन यू नो लाइक अ स्मॉल वी सी लाइक मी आई कान इन्वेस्ट राइट पर इट डज मीन कि इंडिया में वो पैसा नहीं है या वो टैलेंट नहीं है पैसा और टैलेंट को एक जगह पे अगेन वो इंटरसेक्शन आने के लिए समटाइम्स टाइम लगता है समटाइम्स इट हैपन्स अपर्चुनिस्टिकली ऑल्सो तो वो हो सकता है द गवमेंट इज़ वेरी वेरी अवेयर तो बहुत सारे जो पॉलिसीज़ हैं यू नो कैपिटल अवेलेबिलिटी की अवेयरनेस भी है ना इंडिया सोने की चिड़िया बनेगी कि नहीं बनेगी अगेन सी आई थिंक आई थिंक वी आर इन पोल पोजिशन वी कैन बट लाइक विद अ लाइक विद अ कंपनी लाइक अ सेट यू हैव टू डू समथिंगज़ राइट यू डोंट हैव टू डू एवरी थिंग राइट सो एक गलती लोग ये भी समझते हैं उनको लगता है कि एप्पल ने जिंदगी में सब कुछ ठीक करा है इ्स नॉट ट्रू राइट तो बहुत बड़ा जो सक्सेस भी होता है वहाँ पर भी बहुत गलतियाँ हुई हुई होती हैं राइट बट जो आपने ठीक करा होता है उसी कंपाउंडिंग इतनी अच्छी आ जाती है कि आपको आप इतनी बड़ी कंपनी बना सकते हो तो सिमिलरली फॉर अ कंट्री वी नीड टू डू सम थिंग्स राइट नॉट एवरी थिंग राइट कोई भी सब कुछ सही नहीं कर पाता है राइट इवन एट अ नेशनल लेवल सो इफ यू डू सम समथिंग्स राइट एंड कुछ होते हैं देर आर सम बेस इन्ग्रीडियंट्स जो हमारे पास हैं सो यंग पॉपुलेशन मार्केट साइज़ यूनिफाइड मार्केट तो आप कहीं पर भी देख लो यू एस एंड चाइना के अलावा ये मार्केट साइज किसी के पास नहीं है तो हर जो रीजन है वो अपने आप को आजकल दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वी आर अ यूनिफाइड मार्केट विच इज़ नॉट ट्रू यूनिफाइड मार्केट मतलब एक ही एक ही तरह का कस्टमर नहीं 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 यूनिफाइड मार्केट का मतलब होता है कि आपकी पॉलिसीज़ देर आर नो नेचुरल बॉर्डर्स बिटवीन कंट्रीज़ ना हर कंट्री के अपनी uh, खिंचाव तनाव अलग अलग होते हैं ना यहाँ पे तो वी आर वन कंट्री तो आपको जो मार्केट साइज मिल रहा है एकदम सॉलिड मार्केट साइज़ मिल रहा है विद इन वन कंट्री राइट right? अगर जैसे ई बनता है वो छोटी 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 कंट्रीज़ है हर कंट्री के अपनी पुल्स एंड प्रेशर्स होती हैं राइट एंड इवन इफ दे कम टुगेदर एज वन एंटिटी द वे ई हैज़ पर वो नहीं बैठ पाता है बिकॉज आपको हर गवर्नमेंट के साथ अलग नेगोशिएट करना पड़ेगा उस उस कंट्री का अलग सोचने का ढंग होता है मतलब इतने लोगों के लिए बिजनेस करना हमारे देश में आसान, आसान है सो यू एस चाइना इंडिया वी आर वी गॉट दिस मार्केट साइज जहाँ पे आपको विथ एंड डेप दोनों मिल सकती है टू बिल्ड लार्ज कंपनीज तो जो uh, दुनिया में चर्चा अभी इंडिया की इसलिए भी है कि कि वी हैव दैट मार्केट वी हैव एडुकेटेड एंड इंक्रीजिंगली लिटरेट यू नो पॉपुलेशन वो बहुत ज़रूरी होता है सो स्टैंडर्ड ऑफ़ लिविंग हमारी जी बढ़ रही है सो द मिनट जी डी पी इंक्रीजेज पीपल कैन बाय मोर थिंग्स आप अपने तरफ आस पास भी देख रहे होंगे कि लोग आजकल दे कैन अफोर्ड अ लॉट मोर राइट सो द मोर एस्पिरेशनल आपकी आपकी पॉपुलेशन है द मोर कंपनीज कैन गेट बिल्ट टू फुलफिल दोज एस्पिरेशंस सो इंडिया हैज़ अ लॉर ऑफ इन्ग्रीडियंट्स जिसकी वजह से वी कैन एंड विल बी वी विल रीच द ना ऑन द वे विल दे बी समिप्स मे बी बिकॉज अगैन इकोनॉमी इज़ आर सलिकल ऑल्सो Uh, कोई कोई ऐसी इकोनमी नहीं कि हमेशा ही वो ऊपर ही जा रही हो राइट right? ओके okay. ये सवाल मैंने एक्चुअली कॉलेज स्टूडेंट्स के परस्पेक्टिव से पूछा था कि लोगों को पता कि हाँ उनमें काबिलियत है टू बी एन वो मेहनती स्टूडेंट्स है ऑन्टपेनोरियल uh, ड्रीम्स है गुरु मूवी देखकर इंस्परेशन ले रहे हैं उन्हें okay. कैसे सोचना चाहिए वॉट वुड यू डायरेक्ट देम ट आई थिंक उनको सोचना चाहिए सबसे पहली जो सबसे ज़रूरी चीज़ है ना uh, शुरुआत उनको वो शुरुआत करनी चाहिए इस चीज़ की वेट नहीं करनी चाहिए कि मेरे पास इतनी सेविंग आ जाएगी तो मेरे को करना चाहिए क्योंकि द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट इज नाउ नॉट टू राइट तो अगर आपने शुरू शुरुआत करी एंड नॉर्मली क्या होता है फर्स्ट बिज़नेस बहुत बहुत कम लोगों का फर्स्ट बिज़नेस सक्सेसफुल होता है तो आपको वो एक uh, आपको वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा ठीक है कोई बात नहीं ये फेलियर हो गया तो आई कैन स्टार्ट अगैन राइट अब इसमें क्या होता है कि फैमिलीज़ आर नॉट टिपिकली सपोर्टिव बिकॉज़ इंडिया में ये बहुत डर होता है कि आप कैसे कमाओगे अगर आप ये सब करते रहे तो आपका वो कमाने वाला पोटेंशियल चला जाएगा क्योंकि स्पेशली आप इमीजिएटली आउट ऑफ कॉलेज टिल थर्टी आपकी वो अर्निंग पोटेंशियल इज़ प्रटी डिसेंट राइट अगर स्पेशली अगर आप अच्छे कॉलेज वगैरह आपने इंजीनियरिंग वगैरह करी हुई है तो आई तो थिंक थोड़ा सा पेरेंट्स uh, के साथ मिल बैठ के उनको समझाना एंड देन अगर यू नो अलोंग द वे कोई पार्टनर है आपका उसके साथ मिल बैठ के डिस्कस uh, करना कि आप क्या देख रहे हो एंड ऑपरचुनिटी को डिफ़ाइन करने के लिए ना मैं ये कहना चाहूँगी कि ये बहुत ज़रूरी है कि आप बड़ी बड़ी बातें ना करें क्योंकि क्या होता है लोग थोड़ा सा uh, वो ऐसा लगता है कि ये भकी भेंकी बातें कर रहा है राइट right? चाहे आपके सपने बहुत बड़े हो अभी अपने पास वो सपने रखिए mm. थोड़ा सा आपको कुछ दिखाना पड़ेगा लेट योर स्पीक बेसिकली बेसिकली और आपको ये भी थोड़ा खुद समझ आने लग जाएगा कि वो बड़े बड़े सपने पूरे करने के लिए आपको कितनी मेहनत और क्या क्या करना पड़ेगा एक लास्ट सवाल है आपके लिए स्पेशली जो लोग ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं उनके से है, फिर से मान लो कोई कॉलेज स्टूडेंट सुन रहा है या यंग प्रोफेशनल सुन रहा है और उनके पास एक तगड़ा आइडिया है या अब से वो आइडिया के बारे में सोचेंगे बट एट सम पॉइंट उन्हें वीसी मनी चाहिए रहेगा तो क्या पहला स्टेप ये होना चाहिए कि एंजल इन्वेस्टर्स के पास जाना चाहिए या डायरेक्टली वी के पास आ सकते यू कैन सो सी इट इंटायरली डिपेंड्स कि आप कैसी कंपनी uh, बनाना चाहते हैं सो so, जो फर्स्ट थिंग जब आप वी से पैसा लेते हैं uh, जो बहुत सारे फाउंडर्स जो वी से इसलिए डरते हैं क्योंकि वी डू अ लॉट ऑफ पेपर वर्क तो हम डिलीजेंस करते हैं uh, काफ़ी सवाल पूछते हैं काफ़ी बैक एंड फोर्थ होता है रिजेक्शन रेट इज़ वेरी हाई क्योंकि लाइक आई सेड हमारे को भी जस्टिफाई करना पड़ता है हमारे इन्वेस्टर्स के साथ तो बहुत फाउंडर्स को लगता है कि बहुत टाइम चला जाता है ये सब करने में बट वट आई फील इज़ कि आपका भी थिंकिंग शार्पन हो सकता है बिकॉज hmm. आप भी समझ पाते हैं एक और नज़रिया जो एक प्रोफेशनल नज़रिया है क्योंकि वी डू दिस

फिर आपका अगला राउंड बिकम्स अ लॉट ईजियर तो मान लो किसी फाउंडर के पास तगड़ा आइडिया है टीम भी अच्छी है आपके सामने एक पीपीटी पेश करेंगे वो उस पीपीटी में आप क्या देखना चाहोगे तो मैं तो पहले पीपीटी नहीं देखती हूँ सो द वे आई लुक एट अ कंपनी इज इट्स अ कॉन्वर्सेशन फाउंडर तो इनफैक्ट मैं हर इंटरेक्शन में फाउंडर को बोलती हूँ मेरे को पी नहीं एक्चुअली बिल्कुल नहीं देखना होता है इट्स नाइस टू हैव इट एज अ बेस डॉक्यूमेंट एंड इट्स अगेन यू नो इट्स प्रोसेस तो हमारे वो यू नो वीनो कि एक पी था बट जिस फाउंडर को अपना आइडिया या अपना बिजनेस के बारे में जिसने सोचा हुआ होता है ना वो आसानी से बिना किसी पी के, के बता सकता है तो आप आप क्या सवाल पूछते हो उनसे और आप को कौन सी आपको कौन से डेटा पॉइंट्स देखने सो so, जो मैं सवाल बहुत आ, बहुत ज़्यादा पूछती हूँ कि ये आइडिया क्यों आया uh, क्यों बना रहे हो ये कंपनी क्या करना चाहते हो इस कंपनी से क्योंकि बहुत लोग ना uh, पैसे से uh, उनकी आंखें बहुत लाइक like, वो बहुत ग्लैमर लगता है कि बहुत सारे पैसे आ जाएंगे बट यू नो एक थोड़ा सा इट्स ऑक्सी मोर टू से कि यू शुड नॉट बिल्ड अ बिज़नेस फॉर मनी बिकॉज बिजनेस का काम ही है टू मेक मनी राइट बट सच्चाई अगेन ये है कि अगर आप एक हायर पर्पज से कंपनी बनाने की सोचते हो चाहे वो कंपनी कर पाए या ना कर पाए वो हायर पर्पज़ वो कंपनियाँ ज़रूर पैसा बनाती हैं और जो बोलता है कि मुझे पैसा चाहिए पैसा चाहिए पैसा चाहिए नाइन्टी नाइन परसेंट वो कभी पैसा नहीं बनाती है सो अ हायर पर्पज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज तभी आप वो सारा रगड़ापंथी कर पाओगे उसको झेल पाओगे ओके hmm. okay. अर्चना

अच्छा लग रहा है कि आप सभी लोग हमारे बिजनेस पॉडकास्ट को बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं क्योंकि देखो हिस्ट्री की भी एक जगह रहती है दुनिया में स्पिरिचुअलिटी की जगह रहती है पर मॉडर्न परस्पेक्टिव से खुद के करियर के परस्पेक्टिव से ना आप सभी को मेरे अनुसार बिज़नेस पॉडकास्ट एंड टू एंड कंज्यूम करने चाहिए क्योंकि यहाँ से आपको करियर गाइडेंस मिल सकती है और बहुत क्रूशियल लाइफ चेंजिंग करियर गाइडेंस भी ऐसे एपिसोड में से मिल सकती है रसवी मेरे खुद के करियर में मैं ये मानता हूँ कि मेरी हायर एडुकेशन पॉडकास्ट के थ्रू हुई मैं टिम फेरिस के एपिसोड सुनता था इंग्लिश में बहुत कुछ सीखा स्टार्टअप की दुनिया के बारे में और उसी वैल्यू एड को मैं चाहता हूँ कि आप टी से प्राप्त करें हमारी भाषा में हिंदी में ताकि आप भी बहुत ज़्यादा ग्रो करें अपने खुद के स्टार्टअप करियर में अपने खुद के बिजनेस करियर में और जो भी करियर आप अपना रहे हो खुद के लिए उसमें इन एपिसोड्स में से मेंटरशिप लीजिए इन एपिसोड्स को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और इन एपिसोड्स को रिपीटेडली देखिए ताकि आप ज़्यादा सीखें इन बहुत ज़्यादा ज़रूरी करियर हैक्स को दिस वॉज अ वेरी एपिक एपिसोड बताइए मुझे फीडबैक कॉमेंट सेक्शन में मुझे बहुत मज़ा आया अर्चना मैम से सीख कर एंड आई होप यू फेड द सेम लॉट्स ऑफ लव टू यू गाइस कीप सपोर्टिंग बहुत सारे बिजनेस एपिसोड्स अभी हम रिलीज़ करेंगे टी आर एस पर सो कीप लर्निंग अलॉन्ग विद मी